हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम पेपर में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी सपोर्ट, आपका प्यार, आपका जो ये सपोर्ट है दोस्तों, हमको मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें दोस्तों, सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आप देख सकें। और दोस्तों, इस वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक करें, तभी वीडियो रैंक करेगा और ज़्यादा व्यू आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, पहले ये सब तीनों काम कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम कल के भांति आज भी शुरू कर रहे हैं एडुटेरिया का, जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है वो 3 आज कर रहे हैं दोस्तों। एडुटेरिया में भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया है दोस्तों, और एक और चला रहे हैं मॉडल सेट दोस्तों, जो गुरु रहमान सर का मॉडल सेट है वो भी करा चुके हैं 7 तक, और 8वां 9वां 10वां 15 तक वो है वो भी करा रहे हैं दोस्तों। तो आप दोनों अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, इसमें प्लेलिस्ट में आएगा दोस्तों। तो ख़त्म होने के बाद इस वीडियो को वो भी वीडियो जाकर देख सकते हैं, वो भी सेट लगा सकते हैं। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है दोस्तों, इसलिए इसको देखते हुए दोनों सेट लगाइए और आपका बीड़ा पार हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। है दोस्तों एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट, बिहार पुलिस का जो मॉडल सेट है 3 है, तो इसको आज लगाने वाले हैं। इसमें आपका कितना नंबर आ रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसको एक कॉपी पेन बेजाबते एकदम लेकर बैठ जाइए और इसको अच्छे से लगाइए दोस्तों, और एक प्रश्न का उत्तर सही सही लगाइए। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इसमें गलत हुआ है और क्या कितना आपका नंबर आ रहा है, तभी एनालिसिस कर आपको रिप्लाई दिया जाएगा दोस्तों, और उसका नाम भी बताया जाएगा जिसका नंबर ज़्यादा आएगा दोस्तों अगला वीडियो में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं दोस्तों। सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, जोगरूढ़ शब्द है, या विकारी शब्द? तो सेनापति क्या है शब्द, इसका आंसर 2 होगा दोस्तों, यानी बी यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना हो, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना हो उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जिसमें सेना एक शब्द हो गया, और पति यानी सेना का पति क्या होता है? सेनापति, यानी 2 शब्द है, तो इसको क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। जोगरूढ़ शब्द क्या होता है? जिसे लंबोदर, दशान, अन्य सब क्या है? जोगरूढ़ शब्द। इसमें 2 या 2 से अधिक इसमें भी शब्द रहता है, लेकिन इसका पारंपरिक अर्थ निकलता हो उसे जोगरूढ़ बोलते हैं। और रूढ़ शब्द जिसे घर, लोटा, इसको संधि विच्छेद करने पर घ प्लस र, इसका कोई अर्थ ना निकले, उसे रूट शब्द या मूल शब्द कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है? तो उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है दोस्तों? तो उषा पंखा जब नाम आ गया, उषा पंखा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी इसका आंसर 1 होगा दोस्तों, जातिवाचक। सिर्फ पंखा कहता, पंखा किस प्रकार की संज्ञा है? तो पंखा कहता तो होता जातिवाचक संज्ञा, लेकिन बोल रहा है उषा पंखा, यानी नाम दे दिया है, तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे नापा तोला जा सकता है, जैसे घी, डलडा, तेल, सोना, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे बचपन, जिसमें भाव हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निरोग शब्द में उपसर्ग क्या है? निरोग शब्द में उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के पहले लगता है, कोई शब्द है उसको पहले लगे तो उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द शब्द के बाद में लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो निरोग शब्द में उपसर्ग कौन है? पहले कौन लगा है? तो नी लगा है, निधन, रोग, क्या हो गया? निरोग। तो नी शब्द लगा है, यानी इसका आंसर 4 होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तीव्र का विलोम शब्द क्या है? तीव्र मतलब क्या होता है? बहुत तेज, यानी तेज। तीव्र का विलोम शब्द यानी उल्टा पूछ रहा है, तो तेज तो इसका शब्द हो गया, और तो इसका तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा? इसका आंसर 1 मंद होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अमृत का प्रवाची शब्द क्या है? अमृत, तो अमृत क्या होता है? अमृत का प्रवाची शब्द क्या होता है? मीठा, यानी इसका आंसर 4 होगा दोस्तों। 5 का आंसर 4, अमृत का प्रवाची शब्द। और बता देते हैं, अच्छा सॉरी दोस्तों, इसमें पूछ रहा है अमृत का प्रवाची शब्द नहीं है, नहीं है तो मीठा। सोम, पीयूष, सुधा, ये सब क्या है? अमृत का प्रवाची शब्द है, मीठा का अमृत का प्रवाची शब्द नहीं है। तो अमृत का प्रवाची शब्द क्या होता है? सोम, पीयूष, सुधा, अमी, जीवनोवादक, अमीय,
अमी य, ये सब क्या होता है अमृत का पर्वाची शब्द। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए। शुद्ध रूप, इसमें कौन शुद्ध रूप लिखा है? तो दर्पण, दर्पण यानी दप रण लिख दिया, ये तो गलती हो गया। दर्पण लिखा है तो ऐसा नहीं होता, ये भी गलती, यही गलती हो गई, तो ये बच रहा है सही। दर्पण ऐसे लिखा जाता है, द र पण, यानी जो यहाँ पे र आ रहा है तो आगे वाला अक्षर पर रेफ लिखा जाता है हमेशा, दोस्तों इसको याद रखिएगा। तो दर्पण ये सही है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राम पेड़ से गिरा रेखांकित शब्द के कारक भेद के उचित विकल्प को चुनिए। तो राम पेड़ से गिरा यानी से क्या होता है? एक होता है करण, एक होता है आपादान। अगर से आ जाए तो आपादान या कर, तो आपादान बिछुड़ने यानी जिसमें बिछुड़न हो, अलगाववादी हो, उसे क्या कहते हैं? आपादान। तो राम पेड़ से गिरा यानी पेड़ से गिरा बिछुड़ रहा है, तो इसमें क्या होगा? आपादान। इसका आंसर 4 होगा। करण से द्वारा, जिसे राम कलम से लिख रहा है, तो इसमें से ले द्वारा हो गया कलम से, तो इसमें क्या होगा? करण। कर्ता को आता है और कर्म के लिए आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इनमें से कौन युग्म गलत है? गाड़ी गाड़ियाँ, घोड़ा घोड़े, वस्तु वस्तुएं सही है, वहन बहने, यहाँ ने होगा दोस्तों तब सही होगा, वहन बहने यानी इसका सी, इसमें कौन गलत है? तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों, वहन और बहने होते हैं, बिंदु लगे तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि, तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? देखिए पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण स्वर संधि गुण, फिर वृद्धि स्वर संधि, यौण स्वर संधि और आयादि स्वर संधि। गुण यानी हसर स्वर संधि, फिर वृद्धि हो गया, यौण हो गया और तथा अयादि, ये सब क्या है? स्वर संधि के भेद हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जो दूसरों का उपकार मांगे उसे क्या कहते हैं? जो दूसरों का उपकार माने उसे उसको क्या कहते हैं? तो कृतज्ञ। चलिए सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ कहते हैं दोस्तों, और जो दूसरों का उपकार माने उसे कृतज्ञ। इसका आंसर 1 होगा 10 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस? तो इसमें करेक्ट सेंटेंस नीचे दिए गए, मतलब बोल रहा है कौन इसमें करेक्ट है। तो ही डज नॉट नो टू राइट, वो लिखना नहीं जानता है। ही डज नॉट नो हाउ टू राइट, वह कैसे लिखा जाता है नहीं जानता है। ही डज नॉट नो टू राइट हाउ, तो इसमें कौन सही है? तो 11 का आंसर 2, ही डज नॉट नो हाउ टू राइट। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है हाउ टू राइट, लिखने मतलब कैसे लिखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, द बुक मर्चेंट ऑफ वेनिस मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज रिटन बाय, किसने लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर विलियम शेक्सपियर, इसका आंसर 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मैकबेथ वाज ए करेक्टर इन, मैकबेथ एक करेक्टर का नाम है, तो किसके लिखा हुआ ड्रामा या पोएट्री कुछ भी हो, किसके लिखा हुआ था? शेक्सपियर ड्रामा, मिल्टन पोएट्री, वर्ड्सवर्थ पोएट्री एंड किट्स पोएट्री। तो क्या होगा इसका आंसर? तो 13 का आंसर 1, शेक्सपियर ड्रामा के नाम है मैकबेथ। इनका कोई नाटकीय रूपांतर नाटकीय होगा तो उसमें मैकबेथ नामकरण दिए हैं हीरो का या नायक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्हाट डज इजी का क्या इंडिकेट करता है? फॉर एग्जांपल, इजी मतलब फॉर एग्जांपल को इंडिकेट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ओड क्या है? तो क्या है? तो 15 का आंसर 1, एक लिरिक पोएम, मतलब एक लिरिक मतलब लिखा हुआ कविता है ओड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द एंटोनिम्स आर द वर्ड्स, एंटोनिम्स आर द वर्ड्स ऑफ, द सिमिलर मीनिंग अपोजिट मीनिंग। तो एंटोनिम्स का क्या होता है अर्थ? तो अपोजिट मीनिंग, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट या विलोम शब्द होता है, और सिमिलर का कहा तो साइनोनिम्स यानी सेम सब्जेक्ट। चलिए द वर्ब फ्रॉम द फूड इज क्या हो जाएगा? द वर्ब फ्रॉम फूड, फूड मतलब भोजन और फीड मतलब क्या होता है? खिलाना। तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों। 18 देखते हैं। द एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉल्ट का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? द फॉल्ट, तो फॉल्ट का एडजेक्टिव फ्रॉम फॉल्टी, FAULTY फॉल्टी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच वन ऑफ वन इज द नो करेक्ट, इसमें कौन करेक्ट नहीं है? मैंगोज, पोटैटोज,
हीरोज फोटोज, तो फोटोज करेक्ट नहीं है दोस्तों, फोटोज का स्पेलिंग होता है, रोज आप लोग गैलरी में फोटो देखते होंगे लेकिन इसका गलत आंसर लगाए हैं। फोटो का PHOTOS होता है, फोटोज ES नहीं होता है, बाकी सब सही है दोस्तों, ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द फ्रेश इन ए नॉट सेल मीन्स, नॉट सेल मीन्स फ्रेश, इसका इस फ्रेश का अर्थ क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर इंसॉर्ट, इंसॉर्ट इसका अर्थ होगा दोस्तों। चलिए इंसॉर्ट मतलब क्या होता है संक्षेप में, या नॉट इन ए नॉट सेल मीन्स मतलब क्या होता है संक्षेप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो शैवाल के नाम से कौन से जगत के पौधों को जाना जाता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बी थैलोफाइटा, थैलोफाइटा जगत जो होता है इसके नाम शैवाल जानता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फॉर्म का उदाहरण है? कोलाइड, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों स्पंज, कोलाइड फॉर्म का उदाहरण है तो स्पंज इसका आंसर होगा। कोलाइड फॉर्म का और एक उदाहरण बता सकते हैं गोंद, स्टार्च, ये सब क्या है कोलाइड फॉर्म के उदाहरण है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, डेंगू होता है, फिल्पाम होता है, तीनों तो मच्छर काटने से होते हैं, हेपेटाइटिस नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। खनिज पदार्थ स्रोत का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? खनिज पदार्थ स्रोत का विटामिन ए पपीता, लौह पालक सही है, तो एक दो दोनों सही है दोस्तों। 24 का आंसर ए बी यानी ए होगा, एक दो दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसी होती है? मोमबत्ती जलता है ऐसे मोमबत्ती होता है दोस्तों और जलता है, तो इसका पूर्ण दहन बोल रहा है, इसका क्षेत्र कैसा होगा रंग, तो इसका 25 का आंसर सी नीला होता है दोस्तों, बाहर का नीला होता है उसके बाद पीला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है? बहिर्जनित मतलब बाह्य लगने वाला बल है, तो बहिर्जनित भूकंप, पवन, ज्वालामुखी, भूस्खलन, पृथ्वी का अंतर होता है, पृथ्वी का अंतर होता है और भूकंप भी पृथ्वी का अंतर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पवन भी ऊपर चलता है लेकिन बहिर्जनित मतलब ज्वालामुखी बाहर फेंकता है, तो ज्वालामुखी इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों इसमें दे रहा है 4 पवन, लेकिन इसका ज्वालामुखी यानी बहिर्जनित बोल रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर 4 होगा दोस्तों, पवन, ज्वालामुखी दिया है, गलती दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में प्रजनन का अलैंगिक रूप है? अलैंगिक रूप जिसमें जुगमनज न बने, दो माता पिता का जरूरत ना हो, अलैंगिक प्रजनन यानी तो रूप नहीं है पूछ रहा है, तो कायिक प्रवर्धन है दोस्तों, अलैंगिक प्रवर्धन, मुकुलन और अलैंगिक प्रजनन, परागण, तो इसका बीजाणु का निर्माण क्या हो जाएगा? यह अलैंगिक नहीं होगा, लैंगिक होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो गया? इसका आंसर बीजाणु निर्माण 4 होगा दोस्तों, परागण जो लगाया होगा गलती होगा, इस किताब में गलती बहुत दिया है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला संक्रमण है? चिकनगुनिया, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर सी एंडीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। रिसान अपने वाहन के पश्च दर्पण में प्रयोग चाहता है तो इसके लिए कौन सा, तो पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो उत्तल दर्पण का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित कौन सा रोग है? तो कुष्ठ, मलेरिया, इबोला और जलांतक रेबीज, तो ये रेबीज तो नहीं होगा, वायरस होगा दोस्तों, और इबोला भी वायरस होगा और मलेरिया भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, मलेरिया डेंगू मच्छर के काटने से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। किसी किरण का परावर्तित किरण से विलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण क्या कहता है? परावर्तित से क्या होगा? परावर्तन कोण, और आपतित किरण से आपतन कोण होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत का उपसमूह नहीं है? उपसमूह नहीं है दोस्तों, ट्रेडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, हेमिकार्डेक्टा एंड थैलोफाइटा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दिए हैं जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर सी हेमिकार्डेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अनंत
कि माँ ने उसे रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोने का सलाह दी, क्योंकि पेड़ रात में क्या छोड़ते हैं, तो पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं दोस्तों, तो इसलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों। 34, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु संख्या पहले देख लें, एन संकेत होता है, परमाणु संख्या 11 होता है, और इसको 2 से गुणा कर दीजिए तो 22 हो जाएगा, यानी 22 नहीं होता है, 23 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड मुख्यतः निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो चीनी में तो नहीं पाया जाता है दोस्तों, नमक में भी नहीं पाया जाता है, बुझा हुआ चूना में नहीं, तो बालू में पाया जाता है दोस्तों। चलिए, चीनी, नमक और इसमें पर नहीं पाया जाता है, सिर्फ किसमें पाया जाता है? तो बालू में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है? सामान्य दूध का पीएच मान तो कितना, तो 6-7-9 गिलास दूध पी जाए, 6-7-9 गिलास दूध पी जाए, इसका ट्रिक है, 6-7-9 गिलास दूध पी जाए, यानी 6.7 से 6.9 तक, यानी 6.7 देगा तो क्या, 6-7 गिलास दूध पी जाए, इसका ट्रिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं? तो किस प्रक्रिया द्वारा दो मिश्रणीय द्रवों को अलग किया जा सकता है? तो द्रव को आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, उसको वाष्पन यानी वाष्पीकरण विधि द्वारा, उसका अगर वाष्पन पॉइंट अलग अलग हो, क्वथनांक पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान? राष्ट्रपति के क्षमादान 72, अनुच्छेद 72 आप सभी को पता होगा। और 80 क्या होता है? राज्यसभा से संबंधित है, राज्यसभा। 81 क्या हो गया? तो लोकसभा, 80-81 होता है राज्यसभा लोकसभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती? भूटान से नहीं मिलती है तो भूटान से लगने वाले राज्य पहले जान जाइए, सिक्किम, असम, और कौन है, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। तो मेघालय नहीं लगता है भूटान से दोस्तों, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, मेघालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? दहेज निषेध अधिनियम 1961, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर 1 जुलाई कहाँ है, सॉरी 1 जुलाई 1961 इसका आंसर 1 होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति चाहे तो हटा भी सकता है, बैठा भी सकता है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 76(1) के तहत राष्ट्रपति। चलिए, नियुक्ति करता है और हटा भी सकता है, नियुक्ति करता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? प्रमंडल, अनुमंडल नहीं, प्रमंडल, तो 9 प्रमंडल है दोस्तों। बिहार में दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से बिहार में 9 प्रमंडल, 38 मंडल यानी जिला में बटा गया है, और 9 प्रमंडल में। बिहार द्वि सदनीय विधानसभा है, सभा है, द्वि सदनीय मतलब क्या हो गया, एक है विधानसभा और एक क्या है, विधान परिषद, तो द्वि सदनीय विधानमंडल है। विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? 243 है, भी याद रख दीजिए, और विधान परिषद में 75 है। ये राज्यसभा में सदस्यों कितना भेजता है? तो 16, और लोकसभा में 40, इसको भी याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी कहाँ शुरू किए थे? तो चंपारण, आप लोग का डेट भी पढ़ा होगा 1917 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद को किसने बनवाया था दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2, यानी औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले, यानी दिल्ली के लाल किले मोती मस्जिद का बोले तो औरंगजेब, और बोल दे आगरा के लाल किले मोती मस्जिद का तो शाहजहां, यहीं पे आपको मिस्टेक हुआ होगा दोस्तों। तो इसका ट्रिक बना देते हैं, दिल्ली यानी दिल्ली मोती लेके चलो, आज आज मोती लेके चलो दिल्ली, शाह शाह बन के मोती लेके चलो आगरा, आगरा शाह बन के मोती लेके चलो, मतलब जो अमित शाह हैं कहाँ जाएंगे मोती लेकर, आगरा जाएंगे, और औरंगजेब, औरंगजेब मोती लेकर कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। चलिए इसका ट्रिक हो गया। चलिए क्वेश्चन 45 देखते हैं। जातक
पवित्र ग्रंथ है, तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक। चलिए क्वेश्चन नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, तो इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर यानी एक, 46 का आंसर एक। इसकी स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में, इसलिए इसको मनाया जाता है 24 अक्टूबर को दोस्तों। उस समय उसकी, अब इसकी वर्तमान देश कितने हैं, तो 193 हो गए हैं दोस्तों, शायद 195 भी बढ़कर हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, रामनाथ कोविंद कौन से राष्ट्रपति थे, किस नंबर के? तो रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? तो मैरी कॉम किस से? तो बॉक्सिंग से मैरी कॉम। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो मुंडा कहाँ रहता है? झारखंड, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा से याद होगा आपको, कहाँ? झारखंड। यहाँ का झारखंड का एक सरहुल पर्व है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध तब कब हुआ था दोस्तों? पानीपत का तृतीय युद्ध तो 1761, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, फिर 1556 द्वितीय, और 1561 तृतीय, 1761 तृतीय दोस्तों, 1761। तो किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में, मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में लड़ा गया था, चलिए, जिसमें मराठा का विजय, मराठा का हार हुआ था, अहमद शाह अब्दाली पटक पटक मारा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम निषेध क्या है? तो बलात्श्रम निषेध है अनुच्छेद 24-51 का आंसर, सॉरी बलात्श्रम निषेध क्या है? अनुच्छेद 21, और शोषण के विरुद्ध होगा अनुच्छेद, कारखानों में शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 24, और बलात्श्रम निषेध अनुच्छेद 23। 51 का आंसर एक होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे दोस्तों? तो हरिप्रसाद चौरसिया बजाते थे बांसुरी। तबला कौन बजाता था? तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा उनका तबला का नाम था दोस्तों, अल्लाह रखा। चलिए सरोद कौन बजाता था? सरोद तो अमजद अली खान और सानाई बिस्मिल्ला खान, जिन्हें 2001 में नोबेल पुरस्कार, शायद नोबेल पुरस्कार थे, भारत रत्न दिया गया था। 53, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्तिक आयु कितने है? तो सर्वोच्च न्यायालय की 65 वर्ष और उच्च न्यायालय की बोल देगा तो 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने तिलियां हैं, चयारे हैं? तब 24, इसका आंसर आप बता देंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हाटक निम्न से कहाँ, किस महाजनपद की राजधानी है? तो हाटक कहाँ की? तो सूर्यसेन की हाटक होता है, सॉरी दोस्तों, कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी, कंबोज की सूर्यसेन के मथुरा होता है, मथुरा, अस्मक के पुटली। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से सलाह राष्ट्रपति ले सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 143 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है दोस्तों, ये आप लोगों को पता होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, 58 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR का मुख्यालय कहाँ है? शरणार्थी उच्चायोग के मुख्यालय, तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर 2, जेनेवा में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी किस बार स्थानांतरित किया था? आगरा से फतेहपुर सीकरी अकबर ने राजधानी कब स्थानांतरित किया था दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर सी, 1571 में स्थानांतरित कर दिया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, लोकसभा में गौण पूर्ति यानी कोरम जिसको बोलते हैं का संबंध का कथन कौन सही है? तो 1/10 तो होता है दोस्तों, लेकिन इसमें दे दिया सब में, तो देखिए स्पीकर सहित कुल सदस्यों की संख्या 1/10, स्पीकर को छोड़ो कुल सदस्यों की संख्या 1/10, उपस्थित सदस्यों की संख्या 1/10, तो इसमें आंसर क्या होगा? स्पीकर सहित, यानी क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर एक, स्पीकर सहित कुल सदस्यों का 1/10, यानी कोरम पूरा करने के लिए स्पीकर सहित कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष
कि नियुक्ति कौन करता है लोकसभा, तो इसका अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो सी लोकसभा स्पीकर करता है, क्योंकि लोकलेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर 2 16 सितंबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जून को पर्यावरण दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, तो शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों, तो ए शिवकिला दर्रा। अब शिवकिला दर्रा जोड़ दिया तिब्बत शिमला, नाथुला दर्रा चीन भारत, नाथुला जोड़ता है चीन भारत, और बनिहाल, बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर से जम्मू कश्मीर को बनिहाल दर्रा, और बुरजिल दर्रा किसको जोड़ता है, तो गिलगित, गिलगित से श्रीनगर को, तो चारों दर्रा कन्फर्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाना यानी संविधान लागू किया गया था, उसलिए गणतंत्र दिवस उससे 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, उसके बाद नहीं हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, किस वर्ष गोवा कब भारत राज्य का संघ बन गया, भारतीय, तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर 1687 में। गोवा भारत का 25वां राज्य था दोस्तों, 25वां राज्य बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने और उसकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो पिछड़ा से समस्या को सूची बनाने, समस्या उसको संबंधित आयोग बनाने के संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर सी 340 में। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा को कब वैध माना, 27% आरक्षण की घोषणा सर्वोच्च न्यायालय ने, तो 67 का आंसर सी हो जाएगा 1992 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का स्वतंत्र भारतीय संसद अध्यक्ष पद संभाला था, तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बी जीवी मालकवंकर, ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ रखा भेजा गया था, तो बांकीपुर जेल में, इनको बांकीपुर जेल में कैद किया गया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो यूसुफ अली 17 का नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी, लेकिन नारा दिए थे यूसुफ अली, 70 का आंसर सी होगा दोस्तों, यूसुफ अली। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ अली दिए थे, लेकिन इसको प्रसिद्ध कराए थे कौन, महात्मा गांधी। सबसे पहले इन्होंने ही 1928 में साइमन गो बैक बोल दिया था, साइमन गो बैक, यूसुफ अली ने नारा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, किस राज्य की पुलिस आज्ञाकरण दोस्तों ने तीर्थ पर्यटन स्थल पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन मर्यादा कहाँ के पुलिस ने शुरू किया है, तो उत्तराखंड के पुलिस ने, किस लिए, क्योंकि तीर्थ पर्यटन स्थलों पर गंदगी ना हो, कहीं थूक दिया जाता है तो कहीं गंदगी को, मतलब स्वच्छता बनाए रखने के लिए किया है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंककर कहाँ आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया, तो दोहा, दोहा कहाँ है, कतर में, 88.67 मीटर 5 मई को। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो इसका रैंकिंग बहुत बढ़ गया है, 161वीं, 4 हुआ दोस्तों, 73 का आंसर 4। चलिए 74 देखते हैं। 74, रूस के इयान नेपोमनियाची को हराकर डिंग लिरेन की देश की प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं, तो 74 का आंसर 4, चीन के डिंग लिरेन कहाँ के हैं, तो चीन के। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं दोस्तों। प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME 2023 की मेजबानी
किस देश द्वारा की गई? तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर 4 सिंगापुर, सिंगापुर द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया? तो मोचा कहाँ आया था दोस्तों? तो 76 का दू म्यांमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, बिहार सॉरी हाल ही में किस राज्य में मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मिर्चा चावल बिहार का दोस्तों इसका आंसर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो सुपयुक्त सभी अनंत नरसिंह सही है, मोहम्मद साबुद्दीन बांग्लादेश के सही है, और सेंटियागो पेना पराग्वे के राष्ट्र भी सही है। तो इसका उपयुक्त सभी चारों आंसर होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर योगी आदित्यनाथ को अंबेडकर पुरस्कार, डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 योगी आदित्यनाथ को। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, देश का पहला राज्य कौन बन गया है जहां पैदल चलने वाले के लिए चलने का अधिकार यानी राइट टू वॉक? तो राइट टू वॉक कहाँ? तो पंजाब में दोस्तों, इसका आंसर एक होगा पंजाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में किसने हेवन वन नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हेवन वन कहाँ की? तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हेवन वन किसने किया? तो 81 का आंसर स्पेस एक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, हाल ही में प्रमोद भगत थाईलैंड पारा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? प्रमोद भगत ने थाईलैंड पारा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में, तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर ए स्वर्ण पदक जीता दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, तीन अलग अलग मोबाइल स्पॉट वॉच अलार्म सेट किया गया जाता है जो क्रमशः 15, 20, 25 सेकंड में बजती है। यदि वह 9:25 में एक साथ बजे तो फिर वह एक साथ कब बजेगी? तो इसका लघुत्तम निकाल लीजिए 15, 20, 25। तो 15, 20, 25 का लघुत्तम क्या होगा? 75 नहीं होगा, 75 यानी 150, इसका एलसीएम हो जाएगा 150 दोस्तों। 20 कट रहा है नहीं, इसका एलसीएम डायरेक्ट 300 होगा दोस्तों, सॉरी एलसीएम निकाल दीजिए, इसका एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम 300 होगा। और 300 क्या है? सेकेंड है, तो मिनट में बदलिए, 60 से भागा मार दिए, 6 बजे यानी 5 मिनट बाद, तो 9:25 बजे, तो 9:30 बजे इसका आंसर एक होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, ऑन द रूट 12 12 12 12 12 किसके हैं? तो इसका डायरेक्ट होता है, इसको तोड़ दीजिए, ऑन द रूट अगर दो में दिया है तो इसको दो में तोड़िए, एक का अंतर होना चाहिए, यानी एक 4 आ रहा है और 3 आ रहा है दोनों, तो इसमें प्लस में है तो क्या हो जाएगा? बड़ा वाला हो जाएगा, 4 और 3 बड़ा वाला क्या होगा? आंसर 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, किस शहर की जनसंख्या वर्ष में 10% बढ़ती है परंतु प्रवजन के कारण 2% घटती है? 2 वर्षों में कितना होगा, कितना वृद्धि होगी? तो मतलब किस 100% है, 10% वृद्धि होता है, तो फर्स्ट साल में कितना हो गया 10%? तो 110 हो गया, फिर वृद्धि लेकिन 2% परंतु प्रवजन के कारण वर्ष में 2% घटती है, तो इसका 2% घटेगा, इसका 2% घटाइए 22 यानी इसमें 22 घटा दीजिए, फिर 110 में 22 घटेगा कितना होगा 8.8 तो 88, अब 88 का फिर 10% तो 8.8 जोड़ दीजिए, 8 16 9 96.8, और 96.8 क्या हो गया इसका यहाँ, फिर 2% घटा दीजिए तो 9.6 फिर घटा दीजिए तो 2 9 6 9 7 16 8 87 इसका आंसर आ रहा है, डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं दोस्तों, 85 का आंसर सी 16.2 आएगा, ऐसे ही बनेगा दोस्तों 16.20, गलती शायद करीब में आंसर दिया है दोस्तों, इसका वृद्धि होगा पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, किसी वर्ग में विद्यार्थी का प्राप्तांक 55 63 45 23 51 65 81 है? तो माध्यिका, माध्यिका क्या होता है दोस्तों? बीच वाला
कुमादिका कहते हैं। तो इसको डायरेक्ट बना लीजिए, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 को है, तो 3 इधर और 3 इधर, यानी चौथा पे जो आएगा वही क्या हो जाएगा, माधिका। तो एक सबसे कम से देखिए, एक एक हो गया 23 है, उसके बाद कौन है 45, 2 हो गया 45, के बाद क्या है 3, 51 हो गया, 51 के बाद क्या है 55, इसका आंसर 55 होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, एक बकरी और एक कुत्ता प्रत्येक को 15,000 रुपये में बेचे गए, बकरी को 20% की हानि तथा कुत्ता को 20% का लाभ पर बेचा गया, पूरा लेन देन में परिणाम क्या होगा। तो 87 का आंसर, मतलब 15,000 रुपये बेचो एक को हानि पर एक को लाभ को पर, तो 15,000 का पहले कितना का मान हो गया, एक हो गया 80% का मान हो गया, तो इसका निकालिए 100, तो इसका 100 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 1875 0 और एक का हो जाएगा 120 का मान है, एक 15,120 का मान है कि 20% लाभ पर बेचा जा रहा है तो 120 का मान है, तो इसका 100 निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा इसका 12,500, और दोनों को जोड़ दीजिए 12,500 0 5 7 7 5 12 8 2 10 11 9 2, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो 31,250 आ रहा है दोस्तों जोड़ने पर, और कुल ये जोड़ने पर 30,000, तो घटा दिए तो कितना आएगा 3125 रुपया, यानी हानि कितना हुआ 1250 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हानि हुआ 1250 रुपया। इस पर समझ में नहीं आता होगा मैं दोस्तों, क्योंकि ये पूरा सादा नहीं है ना, इसलिए इस पर कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, प्रेम और आशीष एक साथ मिलकर काम कुछ दिन को 20 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने काम पर 10 दिनों तक तो काम किया, उसके बाद आशीष काम छोड़ देता है, प्रेम ने शेष बचते काम 15 दिन में पूरा किया, तो अकेले उस पर काम कितने दिन में कर सकता है। दोनों ने 15 दिनों तक काम 20 दिनों एक साथ मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन 15 दिन तक दोनों किया तो कितना काम किया 15/20, यानी 3/4 काम किया, और शेष काम कितना बचा 1/4, जो किसने पूरा किया 15 × 60, यानी 60 दिन में एक कर सकता है, कौन कर सकता है, प्रेम ने शेष बचे काम 15 दिनों में, शेष काम 1/4 और 15 दिन में कर रहे, तो कितना हुआ था 60 दिन में, कौन कर सकता है, प्रेम। तो क्या पूछ रहे हैं आशीष, तो 20 × 60 - 40 हटा दीजिए, इसका आंसर 30 आ गया दोस्तों, तो 30 दिन में, 88 का आंसर सी 30 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया धन 2 वर्ष में 88.20 यानी 8,820 रुपया है, तथा 3 वर्ष में इतना हो जा रहा है, तो मूलधन क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना, तो 1 वर्ष का पूछ रहा है, तो लगभग इसका 89 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतर निकाल लीजिए पढ़ ले, तो अंतर आ रहा है 441, दोनों को घटाने पर अंतर 441 आ रहा है, और 441 कितना है, दर क्या हो जाएगा 88.20 पर दर निकाल लीजिए 100% पर, तो दर इसका आ रहा है 5%, और 5% पर मूलधन निकाल लीजिए दोस्तों, आ जाएगा आंसर, तो मूलधन बराबर क्या सूत्र होता है, मूलधन ये 2 वर्ष का दिया है, तो इसका आंसर 8,000 रुपये होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, 15 साल बाद गोलू की आयु 15 साल पहले गोलू की उम्र से दोगुनी है, यदि लोक की गोलू से 30 साल छोटा है तो लोक की वर्तमान आयु क्या हो गई, 15 साल बाद गोलू की आयु 15 साल पहले गोलू की उम्र की दोगुनी है, तो 15 साल दोगुनी है, तो गोलू की आयु मान लेते हैं, गोलू की आयु कितना मानते हैं, एक्स मान लेते हैं, गोलू की आयु कितना है एक्स है, तो 15 साल पूर्व कितना हो गया x-15 और 15 साल बाद x+15, और कौन दुगनी है, ये दुगनी है, तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए 2x-30 x+15, अब इधर इधर कीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 45 हो गया, तो गोलू की उम्र कितनी है 45 वर्ष, और अलोक गोलू से 30 साल छोटा है, यानी 30 घटा दीजिए यानी 15 वर्ष, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 196 का आंसर। चलिए क्वेश्चन 91 देखते हैं, यदि सम बहुभुज के आंतरिक कोण 120 है तो इसकी भुजाई कितनी है, तो 120 है दोस्तों, कोई भी कितना भी कोण हो तो उसका बाह्य कोण का जो कितना होता है 360 होता है, इतना याद रखिएगा, और आंतरिक कोण कितना कर रहा है 120 कर रहा है, तो पहले बाह्य कोण निकाल लीजिए, इसका बाह्य कोण कितना होता है, तो 180 में से घटा लीजिए पहले 120, कितना आ गया 60, तो 6 6 के 36,
छः भुजा आएगा इसका आंसर एक, 91 का आंसर एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, यदि ए प्लस बी बराबर सी बराबर जीरो तो ए क्यू बी क्यू बराबर क्या होगा, तो 3ABC डायरेक्ट सूत्र होता है। जब ए बी सी बराबर जीरो होता है तो ए क्यू बी क्यू प्लस सी सी क्यू बराबर 3ABC होता है जो दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, उन क्रमागत दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसमें पहली संख्या 4 गुनी दूसरी संख्या के 3 गुने के 10 अधिक है। इसमें मत दिया है, टाइम टेकन दोस्तों अभी अब खत्म है दोस्तों, अब इसके बाद लीजिएगा तो 94 का आंसर, 93 का आंसर, 182 बना लीजिएगा आप दोस्तों। चलिए कुछ 94 देखते हैं, यदि 6 मीटर ऊंचाई में खंभा जमीन 2.3 मीटर लंबा छाया बनता है तो उस समय उन्नयन कोण क्या होगा, तो इसका आंसर बना देंगे दोस्तों लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो इसका आंसर सी 60 डिग्री होगा। चलिए बना देते हैं इसको तुरंत, 6 मीटर हो गया ऊंचाई और दिया है 2 अंदर ये दे दिया है तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ, कोण पूछ रहा है तो 10 निकाल दीजिए, 10 थीटा बराबर 6 लंबा टाइम 6 और 3 तो अंदर रूट 3 और अंदर रूट 3 में तो 3 अंदर रूट 3 किसका होता है 60 का मान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, 100 यानी 10 का वर्ग 13 का वर्ग 4 का वर्ग और 7 का वर्ग 49, इसका आंसर 49 होगा। यदि संकेतीय भाषा में क्राइम को CDRQ घटा रहा है और IJ बढ़ा रहा है, एक बढ़ा रहा है तो बोर्ड का क्या होगा, तो 96 का आंसर होगा सी, CN बी का सी बढ़ाइए फिर घटाइए, एन का ओ घटाइए फिर ए का बी बढ़ाइए फिर आर का क्यू घटाइए फिर डी का ई बढ़ाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर बताते हैं दोस्तों, तो 23 आ रहा है, 23 पर W आता है ये भी 23 पर W आता है तो इसमें क्या होगा 18 आ जाएगा। क्या कर रहा है पहले देखिए, गुणा कर रहा है और उसके बाद देखिए 10 7 70 और 6 को 24 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 46, 70 और 24 घटा दिए तो 46 का था 23, वैसे भी 14 75 70 और 3 24 घटा दीजिए तो 46 का था 23 और 12 है और 6 48 6 2 12 घटाने पर 36, 36 का 18 तो 18 पर क्या होता है 8, इसका आंसर 97 का सी। 98 तो ये पूछ रहा है शब्दकोश के अनुसार, तो शब्दकोश के अनुसार कौन आएगा, तो शब्दकोश के अनुसार आप लोगों को पता होगा दोस्तों, इसका आंसर डायरेक्ट बताते हैं 1 2 1 3 2 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, कूट भाषा का प्रयोग ROB बराबर इतना पोएम बराबर इतना लिखा जाए तो मर्ड, तो मिला लीजिए इसमें है एम नहीं है तो इसको तिरछा तिरछी करें, आर का 18 बी का 2 तिरछा तिरछी ROB 2 15 18 तो आर का 18 बी का 2 और वो का 15 तिरछा तिरछी कर दीजिए, मेट का इससे 13 का हो जाएगा, डी का 4 हो गया, तिरछा तिरछी कर दीजिए और ए का यहाँ 1 हो जाएगा और डी का यहाँ 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर 4 1 13, 4 1 13 किसमें है, तो इसका आंसर 99 का आंसर 2 4 9 1 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर इसमें त्रिभुज गिनना है दोस्तों, त्रिभुज गिनिए इसमें कितना त्रिभुज है, तो 8 8 16 16 यही हो गया, 16 6 22 हो गया, अब 22 और जोड़िएगा इसमें तो 28 लगभग 28 है दोस्तों, इसका आंसर 100 का आंसर 4। चलिए तो दोस्तों इस तरह हम लोग ड्यूटेरिया प्रैक्टिक सेट कर लिए हैं, ड्यूटेरिया का जो मॉडल सेट बिहार का है 100 क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं, आपका इसमें कितना नंबर आ रहा है दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और पेपर कैसा लगा ये भी बताइए दोस्तों, और आगे बनाएं कि नहीं बनाएं ये भी दोस्तों सजेशन दीजिए, क्योंकि आप लोग नहीं लगाएंगे तो मेरा मेहनत बेकार जा रहा है दोस्तों। दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल पर अगर नहीं जुड़े पहली बार तो यहाँ मेरा चैनल का लोगो है दोस्तों, उसको टिप कर सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, मेरा गला भी थोड़ा बैठने जा रहा है जल्दी बोलने से, तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों और ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, आप समझते हैं कि आपका सपोर्ट प्यार ही मोटिवेट करता है हमको, तो चल हमको सपोर्ट करते रहिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए, कम से कम 5 दोस्तों के पास, और बोलिए कि इसको सब्सक्राइब कर लो ये चैनल को, तो ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, चलिए जय हिंद दोस्तों।